अफ्रीका प्रकृति के कुछ सबसे घातक हथियारों का घर। अगर आप अफ्रीका के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मौत आप तक पहुंच ही जाएगी। अफ्रीका के घातक जीवों में से एक मार डालने के जुनून के लिए खासा बदनाम है। कुछ तो इसे काली मौत कहते हैं। ये है केप बफेलो, यानी जंगली भैंसा। पौने 2 मीटर ऊंचा, पौने 3 मीटर लंबा और करीब 900 किलो वजनी, ये झुंड में घूमते हैं, एक साथ 100 के झुंड में। मैं भैंसे की कुछ तस्वीरें लेने जा रहा हूँ, ध्यान से। ओके। अनजान सैलानी जटिल भैंसे समाज को गंभीरता से नहीं लेते। वो केप बफेलो के सुरक्षा नियम को नहीं जानते। ये नियम है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। उनके विशिष्ट सुरक्षा तंत्र में हमलावर सामने होने पर नर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेते हैं और वयस्क मादाएं और शिशु उनके पीछे रहते हैं। केप बफेलो अफ्रीका का कमाल का लड़ाका है। इसके खतरनाक सींग 1 मीटर तक बढ़ते हैं और इसकी बेहद घनी खोपड़ी 450 किलो प्रति वर्ग इंच तक की जोरदार टक्कर बर्दाश्त कर सकती है, जो कि एक आधे टन के ट्रक की टक्कर के बराबर है। अगर हाथी कभी भूलता नहीं तो भैंसा कभी माफ नहीं करता। इन खतरनाक जानवरों के शिकारी कुछ ही हैं, ये शेरों को भी मार सकते हैं। इंसान अक्सर उनकी स्थिति को भांपने की योग्यता को नहीं समझ पाते हैं। खतरा होने पर वो बेहद चौकन्ने हो जाते हैं। अगर आप खतरा हैं या आपका रवैया गैर दोस्ताना है तो वो इसे तुरंत भांप लेंगे। अगर आप उनके सामने आ जाते हैं तो वो आपके एक तरफ आ जाएंगे ताकि आप पर ढंग से हमला कर सकें। उनका धीमे धीमे घास चरने वाले जानवर से एक तेज रफ्तार घातक मशीन में बदलना एक झटके में होता है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है और उसकी टक्कर शिकार के फेफड़ों से हवा निकाल देती है। इसके बाद सींगों और कुचलने वाले खुरों के ताबड़तोड़ हमले होते हैं। भैंसे जुनूनी हमलों के लिए बदनाम है। ये अपने शिकार के प्रति बेहद वहशी हो जाते हैं। कई बार उनके कुचले शिकार पहचाने तक नहीं जाते। कम लोगों को ही ये अंदाजा है कि केप बफेलो जुनूनी हत्यारे हैं। लेकिन एक अफ्रीकी जानवर ऐसा भी है जिसका कोई तोड़ नहीं। इसको छेड़ा तो समझो शामत आई। ये है राइनोसरस, यानी गैंडा। मैंने एक बार एक गैंडे को 3/4 टन के पिकअप ट्रक को टक्कर मारते देखा। उसने ट्रक को उलट दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इस जानवर में कितनी ताकत और मजबूती है। गैंडे का वजन 3 टन तक होता है, एक SUV से भी ज्यादा। ये काफी विशाल होता है, 3.5 मीटर तक लंबा और 2 मीटर तक ऊंचा। ये एक दिन में करीब 70 किलो घास खा जाता है। गैंडा कुदरत का बख्तरबंद टैंक है, जिसकी खाल 2 इंच मोटी होती है। इसके 2 घातक सींग विशाल नाखूनों की तरह कैरेटिन नाम के टिश्यू से बनते हैं। कईयों के सींग 1.25 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन इन भारी भरकम मांसपेशियों के अंदर होता है एक शर्मीला और घबराने वाला जानवर। लेकिन छेड़े जाने पर या चौंकाए जाने पर उनका प्रत्यक्षा में पहला कदम हमला ही होता है। इसकी दृष्टि काफी कमजोर होती है और यही असली समस्या है। जिसे भी ये ठीक से नहीं देख पाता उसे खतरा ही समझता है। एशिया के कुछ हिस्सों में गैंडे का सींग अच्छा खासा पैसा दिला देता है। ये सींग इस जानवर के लिए भारी मुसीबत रहा है। माना जाता है कि गैंडे के सींग में कई तरह के औषधि गुण होते हैं और कामोत्तेजना बढ़ाने के गुण भी। एक गैंडे को एक साथ कई तीर और गोलियां चलाकर गिराया जा सकता है, लेकिन ये विशाल जानवर बिना मुकाबला किए ढेर नहीं होता। खतरे का एहसास होने पर और उलझन में पड़ने पर वो हमला कर देता है। इस जानवर की हरकतें बहुत तेज होती हैं और ये फुर्ती से मुड़ता है, जैसे हल्के पंखों का बना हो। इस भारी तेज रफ्तार मशीन का अगला सींग एक खतरनाक भाले जैसा बन जाता है। मांसपेशियां, हड्डियां, नाड़ियां और रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अपने शिकार को सींग से चीरने के अलावा इसके पास एक और हथियार भी है, इसका वजन, जिससे ये अपने दुश्मन को कुचल देगा। उन्हें चौंकाइए मत, गैंडे जैसे जानवर को चौंकाना भारी भूल हो सकती है।
लेकिन अफ्रीका का सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाला हत्यारा मैदानों में शिकार नहीं करता, ये खाने के लिए शिकार करता ही नहीं, क्योंकि ये शाकाहारी है। ये है हिप्पोपोटामस। एक वयस्क हिप्पो 5 मीटर लंबा, 2.25 मीटर ऊंचा और 3,700 किलो वजनी हो सकता है। हालांकि ये एक विशाल जानवर है, पर इसके शरीर का बड़ा हिस्सा ओझल रहता है। सिर्फ इसकी आंखें, नाक और नथुने ही दिखाई देते हैं। आधे छिपे होने के कारण ये सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये गजब के फुर्तीले होते हैं। हिप्पो 10 से 30 के झुंडों में रहते हैं। सबसे खतरनाक नर झुंड के इलाके की रक्षा करता है। वो इलाका सैलानियों की गैर अनुभवी आंखों को नजर नहीं आता। सफारी गाइड उसके संकेत पहचान सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनजान इंसान अफ्रीका के पानी वाले इलाके में जाए तो नुकसान उठा सकता है। आप कभी उससे तेज नहीं भाग सकते। अगर हिप्पो आपको पकड़ना चाहे, आपको मारना चाहे, तो आपका बचना मुश्किल है। अगर कोई उसकी सीमा के करीब जाए तो ये चेतावनी देता है, लेकिन सब ये समझ नहीं पाते। वो अपना मुंह खोलते हैं, लोग सोचते हैं जम्हाई ले रहा है, थका होगा। हिप्पो के विशाल जबड़े 150 डिग्री तक खुल जाते हैं और 1 मीटर लंबे दांत दिखाई देते हैं। चेतावनी नजरअंदाज किए जाने पर नर आगे बढ़ता है। अजीब बात यह है कि हिप्पो ना तैर सकते हैं ना उतरा सकते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर तल में करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर भाग सकते हैं और 30 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। एक खामोश हत्यारी पनडुब्बी की तरह ये अपने निशाने की ओर बढ़ता है। हिप्पो के मुंह में फंसने के बाद शिकार उसके विशाल दांतों से चीरा जाता है। इसकी काटने की ताकत अविश्वसनीय है। मैंने हिप्पो को एक मगरमच्छ, एक बड़े नील मगरमच्छ के 2 टुकड़े करते देखा है। अगर इसके काटने से तुरंत मौत ना भी हो तो भी डूबने का खतरा तो होता ही है। सांस नलिकाओं के ऐंठन की गंभीर स्थिति हो जाती है क्योंकि उन्हें हवा नहीं मिल पाती। शिकार पूरी तरह होशो हवास खो देता है। आपके जीने या मरने का फैसला हिप्पो ही करता है। मुझे लगता नहीं कि आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं। ये जानवर एवोल्यूशन की प्रक्रिया के विजेता है, इसलिए सम्मान के हकदार हैं। इनसे दूरी रखना जरूरी है क्योंकि अफ्रीका में घूमते समय इनसे करीबी मुलाकात मौत से मुलाकात बन सकती है।